मिनिस्टर सर, विजन तो बड़ी अच्छी है। आप जो बात कहते हैं वो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। ना करेंगे बीजी मेगा जी, ऐसी बात नहीं करते। क्लीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी की बात कर रहे हैं। बट आई वांट टू आस्क यू बिकॉज यू नो द इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज दैट यू आर होल्डिंग मिस्टर प्रधान टुडे एज द एजुकेशन मिनिस्टर एंड ऑल्सो एज द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, एज समबडी हु इज अ पॉलिसी इन चार्ज मिस्टर प्रधान, डोंट यू think that there is a gap that needs to be filled between building academia on one hand and the industry linkage on the other hand, especially in context to these startups that we are talking about? देखिए अभी इन दिनों में भारत की दुनिया की जो डेवलप्ड इकोनॉमी के मॉडल को हमने भी थोड़ा समझने का कोशिश किया, थोड़ा उनकी एनालिसिस पढ़ने का भी कोशिश किया। डेवलप इकोनॉमी में ये जो तीन पिलर्स है, एकेडेमिया, इंडस्ट्री और पॉलिसी इन चार्ज, ये तीनों टैंडम में काम करते हैं, इकट्ठे की इकट्ठा आके काम करते हैं। भारत में एक मॉडल जो हमने अपनाया, एकेडेमिया को हमने हाई एस्टीम में रखा, लेकिन उनको कहा आप एकेडेमिया हो, आप पेपर लिखो, पीएचडी थेसिस लिखो, पेपर पढ़ो, पब्लिकेशन करो, उसी में आपका ग्रोथ है। वह आपकी आइडिया से मोनेटाइजेशन होना, हमारी देश की नौजवानों की आईआईटीएन, अमेरिका हमको क्यों प्रशंसा किया, हमारी आईआईटीएन वहां पहुंचे, अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में घुसे, उनको आइडिया दिए, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड की चीज बनाए, वही चीज आके हमारी मार्केट में हमको लाइसेंस और फीस के साथ बिक्री हुआ। ये जो एक रिवर्स वैल्यू चेन करना है, आज प्राइम मिनिस्टर की क्यों मेक इन इंडिया कहते हैं, इसीलिए कहते हैं, और एक स्पिरिट बनानी पड़ेगी। अभी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, इस देश में इतना चीज है। प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप जाके एक फोटो ट्वीट किए, आप एक उसकी वेब को देखिए, थोड़ा क्या फर्क आई। मैं लक्षद्वीप जैसा 25 स्पॉट मेरे उड़ीसा की कोस्ट में है, वो एक लक्षद्वीप है, इसी कोस्ट को अगर कोई पोस्ट करेगा तो 25 पोस्ट ऐसे मिलेगा आपको। ये जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थिंग, रीअप्रोचिंग द चैलेंज, ये जो मूल चैलेंज है ना, ये आज की पीएम ने उसको किया है। दूसरा, ये सिर्फ कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है। पिछले दिनों में यंग एंटरप्रेन्योर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड ऑफ फंड किया, टैक्स हॉलीडे दिया, डीप टेक में काम करोगे तो आपको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। ये सारा जो इकोसिस्टम आज बना रहे हैं, उसके जब तक ये तीनों लोग, इसीलिए अगर हमने, मेरे को अच्छा लगा जब आईआईटी वालों ने अपना बोर्ड बनाई, रिसर्च पार्क की बोर्ड बनाए, उसमें एकेडेमिया, स्टार्टअप और इंडस्ट्री और गवर्नमेंट की अथॉरिटी। ये जो प्रधानमंत्री जी 10 साल पहले कहते मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये इम्प्लीमेंटेशन सब जगह पे करना पड़ेगा, यहां भी करना पड़ रहा है। तब जब तक मेजर स्टेक होल्डर को ऑनबोर्ड नहीं करोगे जी। हमने, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीन चीज चाहिए, आपको मेंटरिंग चाहिए, आपको मनी चाहिए, कैपिटल चाहिए, आपको मार्केटिंग नेटवर्क चाहिए, 3M चाहिए। अभी तो हमने ये पॉलिसी बनाया कि कल को हमारे प्रोफेसर कर्माकर जी, अभी जो डायरेक्टर है, वो कहेंगे कि मैं एक स्टार्टअप में मेरा भी 25% की इक्विटी रखूंगा। कुछ दिन के बाद प्रोफेसर कर्माकर जी भी मिलियनर बन सकते हैं, बिलियनर भी बन सकते, पहले ये नहीं था। अभी हमने, हमारी सरकार ने उसको पॉलिसी लिबरेशन किया। हमने इंडस्ट्री को, हमने कहा कि जेम में सब खरीदो, क्या अर्थ उसकी है, कौन उसकी रजिस्ट्रेशन करके उसे चीज प्लेटफॉर्म पे आएंगे, हमारे देश की इस प्रकार के स्टार्टअप्स आएंगे। पॉलिसी को ऐसे रीओरिएंटेशन करना पड़ेगा, वो प्रॉब्लम था मूल। आज हमने, जब तक हमारी देश की बौद्धिक ताकत मेरे समस्या के समाधान के लिए नहीं जाएगा, मेरे को भी चिंतन जी जो इनोवेशन की मूवमेंट को देश में स्पीयरहेड कर रहे हैं, मेरे को छोटी सी एग्जाम्पल बता रहे थे, वो मैं आपके सामने
आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम्स आर लोकलाइज। आप एक दिल्ली से बैठ के या एक राज्य की राजधानी से बैठ के या बॉम्बे की मार्केट से बैठ के आप प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। भारत की पहाड़ी इलाका में, हिल्स में जो हाउस होल्ड है वो घरों में रात को अंगेड़ी जलाते हैं, आग जलाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जनरेट होता है, दरवाजे से बंद रहते ठंडे के कारण, पहाड़ में कई लोगों की डेथ इसी के कारण होता है। एक वहां की इनोवेटर स्कूली बच्चा अटल इनोवेशन अटल टिंकरिंग लैब से कोई निकल के उन्होंने कहा कि जर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा होने से एक ऑटोमेटिक रूट पे एक वेंट खुल जाएगा, छोटा सा वेंट ऊपर कोई सेंसर से खुल जाएगा। ओके, देखो उस सामान्य बच्चे को ध्यान में आया कि मेरे वहां समस्या क्या है। अच्छा, मेरे वहां हम कहो कि भुवनेश्वर में कहो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, हमको समझ में नहीं आएगा। हमारा तो खुला ही खुला रहता है, भुवनेश्वर में इतना हवा आता है कि हम फैन भी नहीं लगाते थे कुछ दिन पहले। तो ये लोकलाइज प्रॉब्लम है ना, हमारी फ्रेमवर्क को बनाना पड़ेगा। ऐसे एकेडमी उसको प्रशंसा करना पड़ेगा, उनको वो उस टैलेंट को हमको हैंडल करना पड़ेगा, उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। हम तो पहले उस बच्चे को गाली दे देते हैं। मैंने करुणाकर जी को थोड़ा थोड़ा कभी कभी, रवि जी भी बैठे हैं, प्रोफेसर हमारे रूपार के डायरेक्टर बैठे हैं, मैं उनको निवेदन करता हूँ आप बच्चों को डराओ मत। इन्हें डराते हैं, आप बच्चों को डराओ मत, बच्चों को आप थोड़ा प्रॉब्लम के अंदर ढकेल दो। प्रॉब्लम के अंदर ढकेलने से वो फिर हीरा होके निकलेंगे। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।